बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सीएस 504 की यानी सीएस 504 की असाइनमेंट नंबर 1 जो आई हुई है स्प्रिंग 2023। उसकी लास्ट डेट जो है वो 17 मई है और टोटल नंबर जो है वो 20 है। 1 से 9 लेक्चर जो है वो इस असाइनमेंट्स में कवर हो रहे हैं। यूज़ केस डायग्राम का इसमें जो है वो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। आप लोगों ने वर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करानी है, यानी वर्ड के अंदर आप लोगों ने इसको बनाना है। उसके बाद आप लोग को कोई भी क्यूरी हो, कुछ समझ नहीं आया, तो आप लोग जो हैं इस ईमेल पे आप लोग इसको पूछ सकते हैं, जो भी क्यूरी हो आप लोगों की। उसके बाद हमें केस स्टडी दिया गया था, एक हमने डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था बच्चों के लिए, ठीक है, ताकि जो जॉब होल्डर्स पेरेंट्स होते हैं तो वो वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम हो के जहाँ पे उनके जो बच्चे हों, ठीक है, वो फिज़िकली और इमोशनली और मेंटली और सोशली तौर पर जो है उनकी ग्रो की जाए, ठीक है। सो ये सारा है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से रीड करना है। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दो दफ़ा रीड कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल से लिखा हुआ है कि इसमें करना क्या है। और उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ बताई हुई है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर, वो ये है कि 2 मॉड्यूल्स होने चाहिए, एक एडमिन का और एक पेरेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, कि ये जो सिस्टम है वो 2 मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है, एडमिन पैनल पर और पेरेंट पैनल पर, ठीक है। एडमिन क्या कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं हर चीज़ को, उसके बाद रिकॉर्ड्स जितना भी हैं उसको वो ऐड कर सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं, ओल्डर को अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी पेरेंट्स की तरफ से कोई कंप्लेन वगैरह आई हो, जितने भी नोटिफिकेशन आए हों, ठीक है, उनको वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उनका रिप्लाई कर सकता है। उसके बाद पेरेंट क्या कर सकते हैं, पेरेंट सबसे पहले रजिस्टर हो सकते हैं, साइन अप रजिस्टर सेम चीज़ है। उसके बाद लॉग इन होंगे, ठीक है, लॉग आउट भी हो सकते हैं। उसके बाद अपने बच्चों को भी वहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं, और जो मंथली फ़ी बनेगी स्टूडेंट्स की तो उसको भी वो क्या करें, पे कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो है अपने चाइल्ड की, बच्चों की प्रोफाइल जो है उसको वो चेक कर सकते हैं, उनका व्यू कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी कंप्लेन हो तो वो एडमिन को कंप्लेन भेज सकते हैं, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद वो जितनी भी कंप्लेन है उनका व्यू कर सकते हैं, उसका स्टेटस जो है उसका व्यू कर सकते हैं, जितनी भी कंप्लेन है, ठीक है। और सिस्टम जो होता है डायनामिक और अट्रैक्टिव वेबसाइट जो है वो हमें प्रोवाइड करें। और उसके बाद जैसे कि कस्टमर्स, हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो कस्टमर क्या करता है, उसका विजिट करे पेज का, तो वो क्विकली रिस्पांस दे, ठीक है, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। सो ये सारा इसके अंदर है, मैंने जो आप लोग को बताया, और यहाँ पर मैंने चीज़ों को हाईलाइट भी किया हुआ है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहा है कि आप लोगों ने केयरफुली से इस केस स्टडी को आप लोगों ने स्टडी करना है, जो केस ऊपर दिया गया है, ठीक है, जो हमने सिस्टम बनाना है उसको आप लोगों ने केयरफुली से रीड करना है। एक दफ़ा समझ नहीं आई तो दो दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करनी है 5 फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंट मॉड्यूल से, ठीक है, फॉर ऑनलाइन डे केयर मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या करना है, यहाँ पर आपने ये नहीं ओवरऑल सारी लिख देनी है, जस्ट उन्होंने कहा क्या कहा हुआ है कि पेरेंट्स के, ठीक है, के 5 फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंट मॉड्यूल, ठीक है। पेरेंट मॉड्यूल जो है उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, ये जस्ट पेरेंट्स की 5 फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी है। तो मैंने वैसे सभी की निकाल के, जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बन रही थी वो मैंने सभी की निकाल के यहाँ पर राइट की हुई हैं, ठीक है, और लेकिन आप लोग जो हैं वो जस्ट पेरेंट्स की लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बाकायदा हाईलाइट रेड कलर में कार की उन्होंने कहा हुआ है कि एनी 5 फंक्शन रिक्वायरमेंट्स फॉर पेरेंट मॉड्यूल, ठीक है। तो ये पेरेंट की हैं, पेरेंट क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन जो है साइन अप हो सकता है वहाँ पर, उसके बाद लॉग इन लॉग आउट, अपने चाइल्ड को मंथली फ़ी पे कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है, कंप्लेन का व्यू कर सकता है, अपने जो चाइल्ड है उनकी प्रोफाइल साइन कर व्यू कर सकता है, साइन कर सकता है, ठीक है। सो ये सारी 5 जो हैं वो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है पेरेंट्स की। उसके बाद ये मैंने एडमिन की भी निकाली हुई हैं, उसके बाद सिस्टम की भी निकाली हुई हैं, क्योंकि जो सेंकर क्वेश्चन हमारे पास उसमें क्या करना है, हमने यूज़ केस डायग्राम बनानी है सिस्टम के अंदर जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स उन सब की। तो मैंने अपनी आसानी के लिए, ताकि यूज़ केस डायग्राम जो है वो बनाते हुए हमें इजी हो, तो मैंने सारी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स निकाल ली हैं, क्योंकि सिस्टम के अंदर जितनी भी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स यूज़ हो रही हैं उन सब को मिला के हमने एक यूज़ केस डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट पेरेंट की 5 जो है वो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, यानी ये वाला साइज इतना, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आसानी के लिए निकाली, ताकि हम इसी को देखते हुए यूज़ केस डायग्राम बनाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने एमएस विजियो और जो स्टार यूएमएल है उसमें ये सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको डाउनलोड आप यहाँ से लिंक से भी कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चैनल का, आप विज़िट करें
और यहाँ पे आप आएंगे वीडियोस पे और यहाँ साथ में पॉपुलर वीडियो पे आएंगे तो सबसे टॉप पे जाने वाली मेरी MS विजियो की जो है वो वीडियो है। और काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से देख के इसको डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और मैंने सारा उसका यूज़ वगैरह और सारा तरीका बताया कि किस वेबसाइट से जाकर आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियोस पे आएंगे और पॉपुलर वीडियो पे क्लिक करेंगे। अभी शायद नेट का थोड़ा सा मसला है तो ये चल नहीं रहा, और तो आप लोग जो है ना वो सबसे टॉप पे आपको मिलेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी इसका। ठीक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखें आ गई हैं। तो 22,000 व्यू यहाँ पे आए हुए हैं इस पर, इतनी ये ज़्यादा जो है चली हैं। तो आप लोग इसको अगर नहीं भी लिंक पे तो आप वैसे चैनल का विजिट करें और वीडियोस पे आके पॉपुलर वीडियो पे आएँ और इस को वीडियो को आप वॉच कर लें और MS वीजियो को जो है आप लोग डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उसमें आप लोगों ने ये बनानी है। अभी मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ यूज़ कर डायग्राम बना के कैसे बनानी। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी कोई टूल यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं अपने स्टूडेंट का काम कर रही होती हूँ, प्रोजेक्ट्स का या मैं काम कर रही होती हूँ, तो मैं ऑनलाइन टूल ही यूज़ कर रही होती हूँ। MS वीडियो भी मैंने किया हुआ है, ये देखें आप लोग। ठीक है, ये वाला इस तरह का होगा, वर्ड की शेप का होता है। तो उसके बाद जो है पे देखें, वो यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि अगर आपने कोई भी डायग्राम्स जो हैं वो बनाई MS वीडियो के बगैर किसी अदर टूल पर, स्टार IUM के बगैर, तो आप लोगों को 0 मार्क्स दिया गया। लेकिन 0 मार्क्स देते नहीं हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि आप लोग जो हैं जो हमें असाइनमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स दी जाती हैं उन्हीं के मुताबिक काम करें तो बेस्ट होता है। वैसे मैं तो अक्सर यहाँ पे MS वीजियो नहीं भी था तो मैं ऑनलाइन टूल यूज़ करके बनाती, तो 20/20 नंबर ही आते थे स्टूडेंट्स के। ठीक है, और आप लोग जो हैं इसको कर लें, बेस्ट हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। फिर मतलब ये होता है कि अगर आपके पास नेट नहीं है, ऑनलाइन आप कोई टूल यूज़ नहीं करते तो ये ऑफलाइन भी चल जाता है। ठीक है, आपके पास नेट नहीं है तो ये ऑफलाइन भी चल जाएगा, तो इस वजह से इसको वो प्रेफर कर रहे हैं। तो आप लोग फिर कोशिश कीजिएगा MS वीडियो में बनाएँ और वो वीडियोज़ देख लें। आप लोग जो हैं मैंने चैनल पर रखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए हो LMS हैंडलिंग में, या आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए, किसी भी किस्म का कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो, स्टडीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। 619 का किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स, मैथ का प्रोजेक्ट्स हैं, 519 का है, कोई भी असाइनमेंट्स में हेल्प चाहिए, क्योंकि नेट इशूज़ होते हैं, बाज़ स्टूडेंट के पास लैपटॉप नहीं होते या नेट इशूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी इशूज़ होते हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं वो अपनी वर्क असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ खुद नहीं कर पा रहे होते, हाउसवाइफ होती है उनके पास टाइम नहीं होता, तो आप लोग ज़ाया ना किया करें अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, असाइनमेंट्स और क्यूज़ वगैरह GDB, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का CGPA पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग सारी चीज़ें अटैम्प्ट करते हैं, सारी एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करते हैं, तो आप लोगों का CGPA बहुत अच्छा जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ छोड़ा ना करें, ट्राई किया करें, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़, एवरीथिंग अटैम्प्ट किया करें, क्योंकि इनका भी जो है ये नंबर्स होते हैं और ये CGPA बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में भी कोई भी हेल्प चाहिए, किसी भी किस्म का कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए LMS के हवाले से, असाइनमेंट्स के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये वैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम्स तो रखी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि बनानी कैसे हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे MS वीजियो, और उसके बाद आप लोग इस तरह का ये आप लोगों के सामने ओपन होगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने शेप में आना है। ठीक है, शेप में आके हम मोर शेप पे जाना है। आप लोगों ने मोर शेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग जिस भी पे करेंगे ना वो इस पे लिंक देख, तो ये इस तरह आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह डायग्राम्स के आगे आगे जो है वो कैटेगरी शो हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये जर्नल है। ठीक है, जर्नल बेसिक शेप जो होती हैं, और उसके बाद ये फ्लो चार्ट की इस तरह साड़ी है। ठीक है, और ये सारी इस तरह। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें UML यूज़ केस की आप लोगों ने लेनी है। ठीक है, UML यूज़ केस डायग्राम्स की ये वाली, ये देखिए ये सारी आ गई यहाँ पे। इस पर मैंने ना क्लिक किया UML पे, तो ये हमें एक्टर्स की ज़रूरत होती है, यूज़ केस की, सिस्टम बाउंड्री की जो होती हैं ज़रूरत होती हैं, एसोसिएशन, और ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पकड़ पकड़ के जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ले आएँ और जो है ना इसको आप यूज़ करें। ठीक है, इस तरह सबसे पहले सिस्टम बाउंड्री लगा लें और उसके बाद जो है आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं।
और ये देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे तीन एक्टर्स बन रहे हैं, सिस्टम एडमन और पेरेंट्स। एडमन और पेरेंट्स तो दो मॉड्यूल उन्होंने कहा हुआ है ना, एडमन पैनल का और पेरेंट्स पैनल का, और सिस्टम के भी कुछ फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बन रही हैं तो मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है। ये सिस्टम बाउंड्री हमारे पास, ये यूज़ केस है और ये एक्टर्स हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले रजिस्टर होते हैं, फिर लॉगिन होते हैं अपने पे चाइल्ड को, वो रजिस्टर कर सकते हैं, फ़ी पे कर सकते हैं मंथली, और उसके बाद व्यू कर सकते हैं अपने चाइल्ड की प्रोफाइल का, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, उन रिक्वेस्ट और कंप्लेन को व्यू कर सकते हैं, लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। सो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारी इसकी डायग्राम्स हैं। तो आप लोग अपनी अपनी डायग्राम्स बनाइएगा, ठीक है, यानी कि कलर चेंज कर लीजिएगा और इन यूज़ केस की जगह चेंज, एक्टर्स की जगह चेंज, तो इस तरह काफ़ी डिफरेंट सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और मेरे जो असाइनमेंट्स 403 की, CS 504 की, 403 की जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को 100% करेक्ट सोल्यूशन मिलता है, और वो फिर बताते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं। और वैसे अपने भी मेरे स्टूडेंट होते हैं जिनके मेरे पास एलएमएस वगैरह, उन जिनका काम है कार्ड होती है, उनके 20/20 असाइनमेंट्स में नंबर आते हैं हमेशा से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, असाइनमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक हमने काम करना होता है, तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह ये सारी डायग्राम्स बनेंगी, और बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ फाइल पे आना है। फाइल पे आके आप लोग जो है यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसकी चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करके, तो यहाँ पे इसको आपने ना इस JPEG की या फॉर्मेट में, यानी हमें एक इसकी पिक चाहिए, तो इसको सिलेक्ट कर लेना और सेव एज करवा देना, ठीक है। तो सेव एज करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे, यहाँ पे नाम चेंज कर ले, मैंने ऑलरेडी 1, 2, 3 के नाम की हुई है, तो मैं इसका नाम यूज़ केस रख लेती हूँ, ठीक है। यूज़ केस के बाद यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। वो पूछ रहा है कि कहाँ पे आपने किस डायरेक्टरी में इसको सेव करना है, तो उसके बाद मैं इसको सेव कर दूँगी, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें पूछ रहा है कि कितना करना वो, ये तो आपने जस्ट इसको ओके कर देना, ठीक है। ओके करने के बाद आप लोग यहाँ पर आएँगे और उसके बाद इसको यहाँ पर ले आना। यहाँ पे वर्ड पे आके यहाँ पे इंसर्ट करना, और जहाँ पे आप लोगों ने जिस डायरेक्टरी में पिक्चर पे क्लिक करना, और जिस आप लोगों ने डायरेक्टरी में रखी होगी वहाँ पे आप चले। मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा हुआ है, ये तो ऑलरेडी पहले वाली 1, 2, 3 वाली, और अभी हमने ये यूज़ केस वाली, तो इसको इंसर्ट कर लूँगी और यहाँ पर आके वर्ड में सेव, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर ये पिक्चर आ गई है, ठीक है। सो ये आप लोगों का सोल्यूशन था कंप्लीट, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंशाल्लाह 20/20 नंबर आप लोग के आएंगे अगर आप लोगों ने कोडिंग जो है वो कंप्लीट वीडियो मेरी देख के बनाई हो। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे न्यू है, तो चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट की हेल्प हो सके, ठीक है। और अच्छा सा कमेंट दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी हेल्प हो, कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो माइंड में, प्रोजेक्ट्स के मामले में स्टूडेंट काफ़ी परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग फ्रॉड भी कर रहे होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के साथ। और फिर स्टूडेंट को कुछ नॉलेज भी नहीं होता, कुछ इंफॉर्मेशन गाइडलाइन नहीं होती कि हमें किस किस्म का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से ईजी होते हैं, तो उस मामले में जो है ना स्टूडेंट काफ़ी फिर जो है घबराए होते हैं। तो आप लोग को कोई भी गाइडलाइन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, गाइडलाइन है, वो आप लोगों को फ्री दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आप मुझे दे इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अल्लाह हाफिज़।